हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको सीलिंग फैन के ढक्कन से बेयरिंग बाहर निकालना सिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये सीलिंग फैन का नीचे वाला ढक्कन है, इसके पीछे तरफ कोई होल नहीं है। अगर यहाँ पर होल होता तो हम क्या करते, इसे पीछे से ठोक देते तो बेयरिंग आसानी से बाहर निकल आता, लेकिन इसमें होल नहीं है तो इस बेयरिंग को कैसे निकालेंगे हम, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हम मिस्त्री लोग क्या करते हैं, इस तरह का पुलर रखे रहते हैं और पुलर को इसमें फंसा देते हैं, फिर कस देते हैं तो बेयरिंग आसानी से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर हमारे पास पुलर नहीं है तो इस बेयरिंग को हम कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको इसे निकाल कर दिखाता हूँ। इसके लिए हमें मोमबत्ती चाहिए होगा। दोस्तों, आप नया पुराना कैसा भी मोमबत्ती ले सकते हैं। इस तरह से मोमबत्ती को छोटा छोटा कर लेना है और इसे बेयरिंग में डालना है। दोस्तों, तो चलिए मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह से मोमबत्ती को छोटा कर लेना है और इसे बेयरिंग में इस तरह से डाल देना है। अब क्या करना है देखिए, अब हमें इसे ठोकना है। दोस्तों, आप इसे ठोकने के लिए किसी लोहे या लकड़ी की सहायता ले सकते हैं। इस तरह से मोमबत्ती को अंदर डाल देना है और फिर ठोक देना है। अब इसमें हमें फिर से मोमबत्ती डालना है दोस्तों और इसे ठोकना है। दोस्तों, हमें इसे तब तक ठोकना है जब तक कि बेयरिंग बाहर ना निकल आए। इसमें मोमबत्ती को डालते जाना है और फिर ठोकते जाना है। इससे क्या होगा, मोमबत्ती अंदर की तरफ चला जाएगा और बेयरिंग को बाहर फेंक देगा। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों बेयरिंग बाहर निकालने का। बस इसमें मोमबत्ती को डालते जाना है और फिर ठोकते जाना है। इससे बेयरिंग आसानी से बाहर निकल आएगा और हमारा पंखा भी नहीं टूटेगा। दोस्तों, अगर हम इसे मार पीट कर निकालेंगे तो क्या होगा, पंखा टूटने का डर रहेगा। तो इस तरह से इसमें मोमबत्ती को डालते जाना है और फिर इसे ठोकते जाना है। दोस्तों, आपको इसे ज़्यादा नहीं ठोकना है, नहीं तो पंखा नीचे से टूट भी सकता है। इसे हमें उतना ही ठोकना है जितना कि मोमबत्ती अंदर चला जाए। ये देखिए, इस तरह से मोमबत्ती को छोटा छोटा करके इसमें डालते जाना है और फिर ठोकते जाना है। इससे बेयरिंग बाहर आसानी से निकल आएगा। दोस्तों, आप इसे निकालने के लिए मोमबत्ती के जगह पर साबुन का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन साबुन से उतना जल्दी नहीं निकलेगा बेयरिंग जितना जल्दी ये मोमबत्ती निकालेगा बेयरिंग को। बस इसमें मोमबत्ती को डालते जाना है और ठोकते जाना है। ये देखिए दोस्तों, बेयरिंग निकल रहा है बाहर की तरफ। ये देखिए, लगभग आधा बेयरिंग निकल चुका है। अब इसे दो तीन बार और मारेंगे तो ये निकल आएगा। इस तरह से मोमबत्ती को इसमें भरना है दोस्तों, फिर हमारा बेयरिंग आसानी से बाहर निकल आएगा। चलिए, इसमें एक दो बार और मोमबत्ती को भरते हैं, उतने में ये बेयरिंग बाहर आ जाएगा। ये देखिए, लगभग बेयरिंग निकल ही चुका है। अब इसे एक दो बार और ठोकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेयरिंग निकल चुका है। ये देखिए, ये बेयरिंग निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मोमबत्ती का क्या हाल हुआ है। अब इस मोमबत्ती को हमें फेंकना नहीं है दोस्तों, ये फिर से बेयरिंग निकालने के काम आएगा। इस मोमबत्ती से आप जितना चाहो उतना बेयरिंग निकाल सकते हो, इसे फेंकना नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह बेयरिंग निकालने का तरीका कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।